हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सभी को नमस्कार और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा, अगर आप चंडीगढ़ में हैं दोस्तों और आपके पास पोर्टर कार्ड नहीं है, तो फ्रेंड्स आप एडवोकेट सुरेंद्र ठाकुर जी से दोस्तों कॉन्टेक्ट करें और अपना पोर्टर कार्ड बनाएं। ओके फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग यही है दोस्तों आज। तो आप इस ब्लॉग के अभी मजे लीजिए और हम मिल रहे हैं आपको ब्लॉग्स के बाद में। ओके फ्रेंड्स, ओके। समाज सेवक सुरेंद्र ठाकुर हमारे साथ उपस्थित हैं। अभी डीसी साहब से, डीसी चंडीगढ़ से भी इन्होंने मुलाकात की है। 4 नंबर कॉलोनी के कुछ वोटर हैं जिनके वोट को रद्द कर दिया गया था ताकि वो वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन अब डीसी साहब ने आश्वासन दिया है। जानते हैं समाज सेवक सुरेंद्र ठाकुर से। हाँ जी ठाकुर साहब, जो डीसी साहब से आपकी मुलाकात हुई, डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? नमस्कार दोस्तों, पहले आपके दर्शकों को भी और सभी लोगों को मेरी तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से। मैं आपको सबसे पहले सीक्वेंस वाइज थोड़ी सी पीछे जाऊंगा उससे पहले कि हम 24 तारीख को 24/4 अभी हम फाइनेंस सेक्रेटरी कम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गए थे, सेक्टर 9 में सेक्रेटरीट, और हमने उनसे मिले थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है 4 नंबर कॉलोनी के जितने भी लोग हैं उनका सबका वोट काटा गया है, तो इसके विषय में आप जो है हमारी बात सुनिए और इन लोगों के वोटर कार्ड बनाइए। ठीक है सर। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको डीसी साहब को रेफर करता हूँ आपका केस, ठीक है, और आप वहाँ पे जाके अपनी बात रखिए। ठीक है। हमने उनको मेमोरेंडम भी दे दिया था और जितने लोग अभी वंचित रह गए थे उनकी सबकी हमने वोटर कार्ड की लिस्ट भी दी थी, लिस्ट के साथ साथ अटैच भी कर दिए थे। सर, मलोया के अंतर्गत 650 मकान खाली है, क्या डीसी साहब से उसके लिए भी आपने बात की? नहीं, अभी पहले हमारा वोटर कार्ड है, फिर आज हम जो है डीसी साहब के पास गए थे। ठीक है। डीसी साहब के पास हम गए तो हमने उनको कहा कि सबसे पहले आप हमारे बंदों का वोटर कार्ड बनाइए। ठीक है जी। डीसी साहब भी थे वहाँ पे, फिर एडीसी मैडम भी थे। पहले हम एडीसी मैडम से मिले थे तो आज वो दोनों वहाँ थे, तो उन दोनों ने आश्वासन हमें ये कर दिया कि आपका जो है आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करो कि आपके कितने बंदे हैं जो अभी छूटे हैं। ठीक है जी। उस लिस्ट हम सभी सारे लोग बुलाएं कि हम लिस्ट तैयार करें। ठीक है। लिस्ट तैयार करने के बाद उन्होंने कहा होगा कि हम जो है जिस हिसाब से आपके लिस्ट आएगी उसी हिसाब से हम जो है वो कैंप लगाएंगे और इन सभी लोगों का हम जो है वोटर कार्ड बनाएंगे। अभी कितने लोगों की लिस्ट आपके पास आ चुकी है और डीसी साहब ने कितने दिन का समय दिया है? हमें तो कहा गया कि हमें कल दे दो आप। ठीक है जी। जितना जल्दी देंगे, क्योंकि 4 मई जो है वो लास्ट डेट है वोटर कार्ड बनने की, उसके बाद वोटर कार्ड नहीं बनेंगे, उसके बाद जून के बाद ही बनेंगे। ठीक है। तो अभी जो है हमारा फोकस ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपने वोटर कार्ड हमें दें, अपना न्यू एड्रेस दें, ताकि हम जल्द से जल्द सारी सबमिशन जो है वो डीसी साहब को दे सकें और डीसी साहब से जो उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज करना है उसके विषय में हमें जानकारी दें, फिर हम आगे दें, तो मतलब ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो मैं सब आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरे चंडीगढ़ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका वोटर कार्ड बना नहीं है और आप इस जो महाकुंभ हमारा जाने वाला चलने वाला है, हमारा वोट देने का अधिकार जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, हमने अपने देश का प्रधानमंत्री चुना है, हमने अपना देश का, तो डीसी साहब ने जो बोला है वो 4 नंबर कॉलोनी जो कंडम की गई थी, ये उन्हीं वोटर कार्ड को आपने बनाने उन्होंने बनाने के लिए बोला है या चंडीगढ़ के किसी व्यक्ति के लिए? हमारी बात तो पर्टिकुलरली 4 नंबर कॉलोनी में हुई थी, लेकिन हम चंडीगढ़ के लोगों को कहते हैं कि किसी का भी अगर वोटर कार्ड नहीं बना तो हमसे संपर्क करें, हम सबका बना के देंगे, क्योंकि 18 साल से ऊपर सभी का वोट देने का संवैधानिक अधिकार है और हम सभी लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए काम करेंगे। सर, जैसे कि कुछ लोग बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, अगर वोट वहाँ पे है उनका, तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं? ये 99% लोगों के कहीं नहीं बने, जो लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं उन्हीं का बनाएंगे, जिनका यहाँ का डोमिसाइल्स है, रेजिडेंस है, उनका यहाँ पे। पर जो 4 नंबर कॉलोनी में बने हुए थे वोटर कार्ड, क्या वो रद्द कर दिए जाएंगे? सर, मैंने कर दिए हैं रद्द। अच्छा, रद्द कर दिए? वो तो कह रहे हैं हमने 2022 में ही रद्द कर दिए थे सारे के सारे, और कहते तो बहुत है कि हमने ये कैंपेन चलाया था, वो चलाया था, हमें तो पता चला नहीं कि कहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट ने चलाया था। ठीक है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हमें पता चला अभी सारी चीजों का, तो हम ये संज्ञान में भी लाएं, लोगों के संज्ञान में भी ला रहे हैं, कम्युनिकेट आगे से आगे भी कर रहे हैं जितना हम कर पा रहे हैं,
कितने लोगों की लिस्ट आपके पास अभी तक आ चुकी है? मैं 500-550 लोगों की तो आ चुकी है, बाकी लोगों का कंटिन्यूसली आना भी चल रहा है हमारे पास। तो यही प्रक्रिया है। एक बार मैं चंडीगढ़ के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि किसी का भी वोटर कार्ड नहीं बना है वो जरूर वोटर कार्ड बना दें। कोई समस्या आ रही है तो हमसे कांटेक्ट कर लें। सर वो अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस बताने की कृपया करें। मेरा मोबाइल है 7888-911-575 और सुरेंद्र ठाकुर मेरा नाम है। मेरा हाउस नंबर है 3045 सेक्टर में 45B चंडीगढ़। मीडिया से बात करेंगे, आप यहाँ के मुझसे मिल सकते हैं, मीडिया से बात करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के जो भी लोग हैं जिनका वोटर कार्ड नहीं है वो अपना वोटर कार्ड सेक्टर 45 चंडीगढ़ के अंतर्गत समाज सेवक सुरेंद्र ठाकुर के द्वारा बना सकते हैं। मैं सुनील पांडे, भारतवर्ष 17 चंडीगढ़। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज आपने ब्लॉग्स के मजे लिए होंगे कि कॉलोनी नंबर 4 दोस्तों चंडीगढ़ में आजकल चल क्या रहा है। हमने दोस्तों इससे आपको अपडेट करवाया है और वकील साहब ने दोस्तों इसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है अगर जरूरत हो किसी को। तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का ब्लॉग है मैं इसे यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग से अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर हम आपसे कल मिलते हैं एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। ओके बाय फ्रेंड्स, ओके बाय।